गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th में आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसकी स्टडी करेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसका हम अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. By morning on January 3rd, 3 जनवरी की सुबह, the pumps had the water level sufficiently under control. हमने पंपों ने पानी के स्तर या पानी का जो लेवल था उसको क्या कर दिया, काफ़ी कंट्रोल माने नियंत्रण में कर दिया। और टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन, और हम क्या कर रहे थे, रोटेशन माने क्या होता है, बारी बारी से हम लोग आराम कर रहे थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। बट लेकिन वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक, लेकिन हमें पानी के तल के नीचे कहीं ट्रेमेंडस माने विशाल बड़ी जो लीक थी वो अब भी लग रही थी। बिलो द वाटर लाइन ऑन चेकिंग जांचने पर आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिव फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील। आई फाउंड मैंने देखा दैट नियरली ऑल द बोट्स जो नाव की जो मेन रिब थी, जो नाव की मुख्य रिब थी, वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। उसमें क्या हुआ था, वास्तव में एक कील चुभी हुई थी। इनफैक्ट वास्तव में देयर वर नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। अलमारियों के कुछ खानों के सिवाय जहाज के मुख्य भाग के स्टारबोर्ड के सारे हिस्से की चीज़ें क्या हुई थी, थामे हुए नहीं थी, अर्थात जब पानी भरा तो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो चुकी थी। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 hours सिंस द वेव हिट। लहरों की चोट के बाद हम क्या था, सर्वाइव माने जीवित रहना, जिंदा रहना, हम 15 घंटे तक जीवित थे। आई चेक्ड आवर बट बे वाकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो हमारा वेव वॉकर था, पर्याप्त समय तक हमको सबको इकट्ठा नहीं रख सकेगी जिससे कि हम क्या हो जाएं, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं। आई चेक्ड अवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 small islands ए फ्यू 100 kilometers टू द ईस्ट। आई चेक्ड मैंने चेक किया अवर चार्ट अपने निरीक्षण पत्र को, एंड कैलकुलेटेड और दिमाग लगाया, हिसाब लगाया, दैट देयर वर 2 small islands की यहाँ कहीं कुछ 2 छोटे आइलैंड या द्वीप समूह हैं ए फ्यू 100 kilometers कुछ 100 दूरी पर टू द ईस्ट पूरब की ओर। तो कुछ 100 किलोमीटर दूरी पर जो कुछ 2 छोटे आइलैंड्स हैं ऐसा मैंने अनुमान लगाया। वन ऑफ देम इनमें से एक एमस्टर्डम था, वाज फ्रेंच साइंटिफिक बेस। वन ऑफ जहाँ पर फ्रांसीसी जो वैज्ञानिकों का बेस कैंप था। आवर ऑनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। हमारी उम्मीद केवल यही थी कि हम विशाल सागर में इन छोटे छोटे द्वीपों पर पहुँच जाएंगे। बट अनलेस द विंड एंड सीज अपेंटेड सो वी कुड हॉइस्ट सेल। बट लेकिन वी कुड हॉइस्ट सेल, हम अपना जो झंडा था
उसको फहरा रहे थे। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे जो अवसर थे वो कम हो रहे थे। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और विशाल लहरों के साथ, विशाल जो लहरें थी जो टकराई थी, उसने हमारे जहाज के इंजन को डिस्ट्रॉय माने बर्बाद कर दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।